इससे पहले हमने देखा था जी एन ई इक्वल टू होता है जी आर ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वी ओ स्क्वायर इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर। चूं आर इक्वल टू हो आर ई प्लस एच तो ये हो जाएगा वी ओ स्क्वायर इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक, यदि उपग्रह पृथ्वी तल के अंतर्गत हो, यदि उपग्रह पृथ्वी तल के अंतर्गत हो तब एच इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा वी ओ स्क्वायर इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई, एक आर ई से कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा वी ओ स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई। ये फॉर्मूला है उपग्रह के कक्षीय वेग का। अब देखिए आगे, चूंकि आर ई इक्वल टू होता है 6400 किलोमीटर और जी इक्वल टू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अथवा इसको हम लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वी ओ इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 10, तो ये हो जाएगा, इसे हम करें तो ये हो जाएंगे 64 गुणा 10 पे घात 6 वर्गमूल ले लें तो ये हो जाएगा 8 गुणा 10 पे घात 3 या बी ओ इक्वल टू 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब है कि उपग्रह का कक्षीय वेग है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है, या कोई उपग्रह उसे हम पृथ्वी तल के निकट ले जाकर के 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग दे दें तो वो पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने लगेगा।